आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मॉडल पेपर 2021 का बहुविकल्पीय प्रश्न और एक नंबर वाले जो प्रश्न है, मतलब पहला और इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज जो है लाइट नहीं है और लाइट ना होने की वजह से जो है पूरा वीडियो शूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ना पड़ रहा है तो एक ही हाथ से वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो बहुविकल्पीय इसका बता दे रहे हैं, ठीक है। और कल जो है अगर लाइट रहता है तो जो है इसका जो है बाकी सभी सॉल्यूशन भेज देंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो भी है आप लोग को जो है असुविधा में हमें खेद है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्न क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा और हमेशा अपरिमेय ही होगा। याद रखिएगा कि एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो तो उसका योग करें, चाहे थी परिमेय संख्या का योग करें चाहे घटाएं, परिमेय और अपरिमेय का योग और घटाना, ठीक है, हमेशा जो है अपरिमेय ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका विकल्प बी हो जाएगा, इसमें आपका विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से ख देखिए, ख में है कि 2, 6, 4, 2, 0, 2, 1, 3, 2, 3 का बहुलक होगा। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि सबसे अधिक कौन अंक आया है, तो जौन अंक सबसे अधिक आया है ना उसी का बहुलक होगा। तो देखिए ना, 2 कितने बार आया है, 1, 2, 3, 4, सबसे अधिक 2 आया है, ठीक है ना। मैंने इसमें 2 सबसे अधिक बार आया है, देखिए 6 एक बार आया है, 4 जो है देखिए एक बार आया है, 0 एक ही बार आया है, 1 जो है एक बार आया है, 2, 3 जो है 2 बार आया है। सबसे अधिक बार आया है तो 2 आया है, क्योंकि 2 की आवृत्ति कितनी है, 2 की आवृत्ति 4 है। तो जो है सबसे अधिक जिसकी आवृत्ति होती है, जो अंक सबसे अधिक बार दिया गया रहता है उसी का बहुलक होता है। तो इसका बहुलक जो है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ग, तो ग क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि रेखाओं इतना तथा इतना का एक अद्वितीय हल होता है। तो अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है, यदि a1 / a2 बराबर न हो b1 / b2, तो यह जो है अद्वितीय हल का कंडीशन होता है, ठीक है। 3 कंडीशन इस टाइप के आप लोगों को बताए गए होंगे, ठीक है। a1 / a2 बराबर नहीं है b1 / b2 के, तो इसका अद्वितीय हल होता है। a1 / a2 बराबर b1 / b2 बराबर c1 / c2 हो, अगर ये और ये यहाँ पे भी c1 / c2 भी बराबर हो तो इसके अनेक हल होते हैं, ठीक है। और जो है b1 / b2 बराबर ना हो c1 / c2 के, तो इसके केवल इसका कोई हल नहीं होता है। 3 कंडीशन आप लोग को याद होना चाहिए, इस पर जरूर एगो सवाल पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a1 / a2 बराबर नहीं है b1 / b2 के, तो इसका विकल्प आपका सी सही होगा, ठीक है। तो विकल्प जिसका सी सही होगा अपना नंबर बढ़ा लीजिएगा। इसके बाद से देखिए, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसमें जो है बताना है कि जो है बताइए कि कौन से त्रिभुज जो है जो हमेशा और हमेशा समरूप हो सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि घ का विकल्प जो है डी सही होगा, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये हमेशा जो है समरूप हो सकते हैं। समबाहु, समकोण समरूप नहीं हो सकता है, समद्विबाहु समरूप नहीं हो सकता है, सर्वांगसम समरूप नहीं हो सकता है, लेकिन समबाहु जो होंगे जिसकी तीनों भुजाएं हमेशा बराबर हों, दो त्रिभुज हो तीनों भुजाएं बराबर हो तो समरूप तो हो ही जाएंगे ना। या भाई यहाँ पे देखिए, sin 48 - cos 42 का मान ज्ञात कीजिए। तो sin 48 - cos 42 का मान अगर हम लोग को ज्ञात करना है तो इसको जो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि sin 48 है, यहाँ पे sin 48 है और माइनस में cos जो है 42 है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि sin 48 को हम लोग जो है sin 48 लिख सकते हैं और cos 42 को हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, cos 42 को 90 - 48 लिख दे तो cos 42 ही होगा भाई। 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 हो जाएगा, यानी कि इस बात को हम लोग इस फार्म में लिख दिए, बस फार्म चेंज कर दिए। अब इस फार्म चेंज करने से क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए sin 48 है ही और माइनस में, अब देखिए cos 90 - θ का मान क्या होता है, तो sin θ होता है, θ के जवाब अब आ गया है 48, तो इसको लिख सकते हैं sin 48। अब sin 48 में से माइनस करेंगे sin 48 को, ये हो जाएगा 0, तो इसका विकल्प आपका जो आ जाएगा 0, ठीक है। तो सी का विकल्प आपका 0 होगा। इसके बाद से है शंकु के छिन्नक का आयतन होता है, तो शंकु के छिन्नक का आयतन का सूत्र यह होता है 1/3 πh ब्रैकेट में r1² + r2² में r1 r2 होता है। तो ये आपका विकल्प बी सही होगा, च का, ठीक है, च का विकल्प बी और अंग का विकल्प जो है सी, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये है
अड़तीस पच्चीस को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो अड़तीस पच्चीस का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें तो जो है अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अब बताइए कैसे करें इसका, एक मिनट। अब इसका हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना है तो अड़तीस पच्चीस है तो अड़तीस अब 25 का गुणनखंड करिए। तो देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से कटने का संभावना है तो इसको काटिए 5 से। तो 5 5 7 35, 5 7 35 कितना बचा, 3 5 6 30 कितना बचा, 25, 5 5 25, फिर 5 से कटने का संभावना है, लास्ट में 5 है तो 5 एकानम 5 2 बचा, 5 5 25 और 5 3 15, 5 3 8 1, 5 3 8 1 9, अब 3 से कटने की संभावना है तो 3 5 15 3 एकानम 3, और फिर जो है किससे कटने का संभावना है तो फिर से 3 से कटने का 17 3 51, अब जो है किससे कटेगा तो 17 से ही कटेगा। तो इसका गुणनखंड अभाज्य हो जाएगा क्या, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो ये ऐसा होगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में कोई भी ऐसा अंक नहीं होना चाहिए जो किसी अन्य अंक से कट जाए, ठीक है ना। तो मैंने जैसे कि अभी 25 को, जैसे कि 5 5 25 है ना, तो 25 नहीं होना चाहिए इसमें, चाहे 3 तरीके 9 है तो 9 नहीं होना चाहिए। मैंने अभाज्य का मतलब कि अब इसको कोई काटने वाला अंक नहीं है या स्वयं से ही कटेगा, ठीक है। जैसे 3 रहता तो 3 को 3 से काट सकते थे, तो ऐसा अंक इसमें नहीं होना चाहिए, इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। तो 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 इसका अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। बस इसके बाद से द्विघात समीकरण कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए कह रहा है कि द्विघात समीकरण याद कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। तो द्विघात समीकरण सबसे आसान तरीका जान लीजिए, इसका द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र अगर मूल दिए हो तो द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, मूल अगर दिया गया है तो मूल अगर दिया गया है तो द्विघात समीकरण हम लोग जो है सूत्र याद रखिए द्विघात समीकरण का, एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योग, यानी कि अल्फा धन बीटा इंटू एक्स हो जाता है, और प्लस में जो है क्या हो जाता है, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा कर देंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। माने अगर इसके मूल दिए गए हों तो इसको अल्फा और बीटा क्या है, मूल है, तो अगर मूल दिए गए हों तो जो है हम लोग इस सूत्र में रख देंगे तो अभी हम लोग का द्विघात समीकरण जो है बन जाएगा। तो देखिए हम लोग को मूल दिया गया है 3 और 1/3, ठीक है, तो हम लोग को क्रमशः इसमें रख देना है। तो यहाँ पर देखिए यक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखिए यक्स का स्क्वायर माइनस में जो है क्या है, यक्स का स्क्वायर माइनस में जो है क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब समझ रहे हैं ना, अल्फा का मतलब पहला मूल, तो पहला मूल 3 है, और प्लस में जो है दूसरा मूल, बीटा का मतलब दूसरा मूल, तो 1/3 है, 1/3 है। एक मिनट रुकिए ना, दिखाई नहीं दे रहा था तो पेन चेंज कर लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब एक इधर बच गया भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए यक्स का स्क्वायर माइनस में 3 + 1/3 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, अच्छा यहाँ पे यक्स कर दीजिए, अब प्लस में जो है अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3 × 1/3 कर दीजिए, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यक्स का स्क्वायर माइनस में 3 + 1/3 को 3 × 9 और 1 10, तो 10/3 लिख सकते हैं, 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 × 9 और 1 10, ऐसे भी इसको सॉल्व करते हैं तो 3 × 9 = 1 10/3 हो गया इंटू यक्स, ओके। और प्लस में जो है अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1, ओके। अब ये क्या हो गया, तो अब इसको और सॉल्व करें हम लोग तो यहीं पे अभिष्ट दिखा समीकरण हो गया, और यहाँ करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे जो है 3 है, तो अगर इस 3 को हम लोग हटाना है, पूरा समीकरण में 3 से गुणा कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर में 3 से गुणा करेंगे तो 3x² हो जाएगा, और माइनस में 3 × 10/3 यहाँ पे हो जाएगा, होगा ना, इसमें भी 3 से गुणा करेंगे तो यक्स, प्लस में क्या हो जाएगा, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, ओके। अब जो है क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे 3x² लिख सकते हैं, माइनस में अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 10x हो जाएगा, मैंने ये ख़त्म हो गया, और प्लस में जो क्या हो गया 3। तो ये अभीष्ट द्विघात समीकरण आपका बन गया, ये अभीष्ट द्विघात समीकरण कितना बना, ये आपका अभीष्ट द्विघात समीकरण बन गया 3x² माइनस में 10x और प्लस में 3, यह आपका आंसर हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन हम पहले बता भी चुके हैं, तो अगला, तो दोस्तों लाइट जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया, जो भी लाइट हमारा था वो भी जो है ख़त्म हो गया, तो इसलिए वीडियो जो है यहीं पे रोक दे रहे हैं।
अब देख सकते हैं आप लोग कि बिल्कुल हमारे पास लाइट की व्यवस्था नहीं है, जिसके वजह से जो है वीडियो हम अधूरे में छोड़ रहे हैं। दोस्तों कष्ट के लिए माफ़ी चाहते हैं, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। तो बस जय हिंद।